हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला ललितपुर ब्लॉक कालवेट से जो यहाँ पर लड़के आए हैं, उनका कहना है कि जो हम लोगों के अभी एक तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं और 7 महीने से पढ़ाई नहीं हुई है, और हम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं तो वहीं तो हमारे तालवेट में जो कोरोना पॉजिटिव की अस्पताल बनी हुई है और वहीं हम लोगों के एग्ज़ाम की तैयारियां भी लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा वहां पर होता है तो हमारे जो बच्चे हैं और जो विद्यार्थी हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो हम इसी को लेकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वहां पर हम लोगों के एग्ज़ाम ना कराए जाएं और दूसरी जगह कराए जाएं। हम ज्ञापन देने आए हैं यहाँ DM साहब ऑफिस में। हमारी समस्या है कि जो तालवेट और पॉलिटेक्निक निजीकरण का बात चल रही है प्रशासन में, उसको निरस्त कराने के लिए, और जो इस COVID-19 में एग्ज़ाम की बात भी चल रही है कि शायद एग्ज़ाम सितंबर में करवाएंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, तो उसको उसके विरोध में हम DM साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। हमारी टीम के सदस्य हैं जो हमारी संस्था लखनऊ से है और इसका कार्य श्री बृजन सिंह IPS संरक्षण में चल रहा है कि हमारा जो तालवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें L1 हॉस्पिटल भी बना है जिसमें COVID-19 स्टूडेंट्स एडमिट भी हैं, तो वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चलाए जाएंगे, करवाए जाएंगे, तो वहाँ बच्चों को संक्रमित होने की संभावना पूरी है, तो इसी के विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। जी आश्वस्त दिया है कि हमने जिनको आश्वस्त दिया है अपना ज्ञापन, माननीय स्टेनोग्राफर साहब, उन्होंने हमें यही दिया है आश्वासन कि आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैम, मैं यहाँ पर DM साहब को ज्ञापन देने आया था कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालवेट में मरीज़ों को रखा जा रहा है उसी में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, इसके लिए स्टूडेंट जो हैं सभी बच्चे हैं उनके लिए संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और यहाँ पे देखिए प्राइवेट बसों का है जो कि भीड़भाड़ का माहौल रहेगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नेट की व्यवस्था नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उन्हें पढ़ाई उनकी हो नहीं पाई है, और यहाँ से आने जाने में ऐसे तो है नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो उनके पास बाइक हो, सबको भीड़ में बस में ही जाना पड़ेगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे, इसलिए संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाए। हाँ, हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी श्रीमान मुख्यमंत्री जी से, तो वहाँ से भी कोई अभी रिप्लाई नहीं आया है ऑनलाइन कंप्लेंट का। हमने किया था 1.5 महीने पहले किया था। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।